स्टार प्लस की सीरियल झनक में फिर एक बार शुरू हो चुकी है झनक और अनिरुद्ध की खट्टी मीठी नोक झोंक। भाई जल्द ही झनक किसी और से शादी कर इस घर से विदा होने वाली है। ऐसे में इसी बात को लेकर अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर लगा रहे हैं इल्जाम। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ तो उस सवाल का क्या जवाब? काम कर रही हूँ यानी कि ठीक ही होंगी। हाँ वो तो देख रहा है, फिजिकली नहीं मेंटली भी बिल्कुल फिट हो गई है तुम। जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल पता नहीं था मुझे कि तुम शादी करने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में? ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब हर दिन नई नई चीजें पता चल रही तुम्हारे बारे में। तो मेरे बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, जिनकी है चीजें। लेकिन कुछ चीजें लोगों को ज्यादा सरप्राइज करती हैं, जैसे कि कल मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए 7 दिन भी ज्यादा है शादी करने के लिए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नीचे देख के कुछ नहीं हो जाएगा, बताओ तुम अपने प्यार राहुल के लिए वेट नहीं कर सकते? और भी हो तो आपको इसे क्या फर्क पड़ता है? झनक तुम ना खुद के साथ बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। अगर ईमानदार होती ना तो वेट करती उसके लिए। अब तो खुद के पैसे कमाने लगी हो तुम, और भी ऑफर्स मिलेंगे तुम्हें, तो वेट नहीं कर सकती? वो तो वेट कर रहा है तुम्हारा। हंस भी रही ऐसे कुछ नहीं होता, हंस क्यों रही? क्यों आए हैं इधर? तुम्हारे लिए नहीं आया हूं मैं। मैंने देखा तुम साफ सफाई कर रही थी। जब आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो सवाल पूछने का क्या फायदा है? ऐसा नहीं है कि लगता है या डाउट है, मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार नहीं। हाँ नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क नहीं पड़ता, बस बुरा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैंने तो नहीं कहा था, अपनी मर्जी से करते आए ना। बिल्कुल अपनी मर्जी से, लेकिन अब लगता है कि गलत किया। लेकिन गलती सुधारने का वक्त निकल गया है ना। कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है तो बाकी कर। अंदर से बहुत खुश हो गया तुम कि बैठे बैठे एक अमीर बिजनेसमैन पति मिल गया तुम्हें। वैसे राहुल भी दूधपत्री में रहता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। जब वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ देखेगा तो कैसा लगेगा उसे? उसे जैसा भी लगे, आप क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। कितना दर्द होगा उसे पता है तुम्हें? उसके दर्द की परवाह है? कितनी बार मिले, 1 या 2 बार? इतनी फिक्र राहुल के लिए? कितनी बार मिला उसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से पता है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन बदले में तुम उसके लिए क्या कर रही हो? 7 दिन का इंतजार भारी पड़ रहा है। यहाँ काम करने आई थी मैं, आपके सवालों का जवाब देने में। टाइम वेस्ट मत करिए मेरा। जनक अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। गलती तो मेरी होती है हर बार। हाँ गलती होती है, गलत हो तुम, लालची हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उस आदमी के सामने सब कुछ साफ साफ बता दिया। हाँ तो साफ साफ बातों का सीधा जवाब ही तो दूंगी ना, ऐसा ही होता है। और आपकी फैमिली ने मुझे यही एडवाइस दी थी। अब वो जो बोलेंगे तुम वही करोगी? हमेशा मेरी फैमिली की बात सुनती हो तुम। अरे प्रॉब्लम क्या है, किस चीज से है? ये कि मैं शादी कर रही हूँ फाइनली, या फिर इस वजह से कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है मेरी शादी की तैयारियां करने के लिए? देखिए मैं नहीं चाहती कि आप कोई खर्चा करें, कुछ बड़ा करें मेरी शादी के लिए। पैसे बचाइए आप अपने, वैसे भी मैं तो चली जाऊंगी। रिश्तेदारों को क्यों बुला रहे हैं अपने, उन्हें तो मैं जानती तक नहीं हूं। ओ या फिर उनकी वाहवाही लूटनी होगी ना, एक मेड के लिए देखो हम कितना खर्चा करें। बहुत तो बात अलग है, सेल्फिश हो तुम। हां हूं तो हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की बेल्ट, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।